बुधवार का दिन। बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसके देवता बुध हैं। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिष उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर व कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपना के आप भी भगवान बुध की कृपा पा सकते हैं। इन उपायों को करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो आइए रामराजन में जानते हैं आज करियर व कारोबार में फायदे के लिए बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। नंबर 2, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 3, बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक समस्याओं और कर्ज से परेशान हैं, तो हर बुधवार को ऋणकर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। नंबर 4, हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी का पत्ता और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल रहा तो दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दुर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दुर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश सिरघी प्रसन्न जाते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 5, बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है। बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुध के मंत्रों का जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और कारोबार व करियर में तरक्की का योग बनना शुरू हो जाता है। ध्यान रखें कि बुध जप का मंत्र 14 बार अवश्य किया जाना चाहिए। बुध का बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। जी हाँ, एक बार और ध्यान से सुने, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। इसके अलावा ओम बुम बुधाय नमः नाम का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। रामराजन के अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।